आबू में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी द्वारा नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आज टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने अपने अपने सवाल पूछे, जिनके जवाब वक्ताओं ने दिए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन दिए। करीबन 4 दिन चलने वाले नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन था। वक्ताओं ने मीडिया की खबरों को लेकर अपने अपने विचार बताए। जिम्मेदारी बनती है कि सबको इस देश को बनाने के लिए काम करना है और ऐसे मूल्य हमारे बच्चों में, हमारे पीढ़ियों में, हमारे नौजवान साथियों में डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हमारा देश जो विषय हमने लिया प्रॉस्परस भारत, श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम क्यों चाहते हैं समृद्ध भारत, समृद्ध भारत जो बनेगा तो हमारे देश के अंदर वो तमाम तरक्की खुशहाली प्रगति पीस एंड हार्मनी अपने आप आएगी। और हम बार बार पहले तो हम फ्री में बांटते थे, इसमें कोई अखबार में आप देखेंगे सब कुछ आता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज पहले रहता और पॉजिटिव न्यूज होंगे तो थोड़ी सी अंदर आता है। लेकिन हमें पॉजिटिव मीडिया को चलाना है, एडवर्टाइज भी नहीं लेना है। ऐसे में हमें परमात्मा का साथ और धर्म का आदेश, उसको हमने साहस के साथ आगे बढ़ाया और हमने देखा कि ये अफवाह शुरू है, लेकिन तीन स्तंभ किसी को पता हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मीडिया चौथा स्तंभ है वो सबको पता है और हर बार हम ये एक लाइन बोलते हैं। तो इसीलिए हम हमारे घरों में भी जिससे अपेक्षा होती है, जिससे उम्मीद होती है, उसी को कई बार जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मीडिया हमें सूचनाएँ दे रहा है और मीडिया कोई कैमरा लेके और आईडी लेके ले जो फील्ड में हमें लोग मिलते हैं वो नहीं है, मंच पे यहाँ पे भी लोग मैं मीडिया में हूँ, सामने आप बैठे हैं वो भी मीडिया में। मीडिया मतलब सूचना देने का काम करना, वो कभी आप हमें देते हैं कभी हम आपको देते हैं। तो हम बहुत सारे डिस्कशन किए हैं, मैं दो तीन से सुना रहा हूँ, इतने सारे अनुभव बात सब बताए मेरा क्या जीवन में अनुभव है मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। एक बार चार बार की भावना से बाढ़ से, लेकिन वो दया बाढ़ से भी वो काफी नहीं है। सो नारद ने सोचा इसे कुछ गड़बड़ है, सो बिकॉज ही वॉज द रिपोर्टर ऑफ हिंदी त्रिलो, सो तो उनकी तो समस्या होगी तो मैं सुनती। फिर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे द्वारा ना तो ये वाली आप लोग सुनी हो ना ये सामने वाली, तो मैं पहले सब ही सुन लेती हूँ दोनों तरफ की, फिर मैं उनको सेटिस्फाई करती हूँ कि ठीक है भाई आपका काम हो जाएगा, परेशान करो। फिर दूसरी वाली आपका यदि आप प्रश्न पूछ लेंगे तो उत्तर दे रही है, परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है तो हम सब आत्माओं
हम सभी आत्माओं का एक ही पिता है। जब पिता हमारा एक है उस एक पिता के हम सब बच्चे हैं, कहते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं।